बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज के इस ब्लॉग का करते हैं आगाज। तो आज है हमारी लाहौर से वापसी। अभी नियाजी अड्डे पे मौजूद हूँ। इस गाड़ी की हमने टिकट कर ली थी, मैं आपको दिखाऊंगी। पीछे यूटंग मास्टर में आए भी थे और यूटंग मास्टर में जा भी रहे हैं। इसका हमने टिकट कर लिया है। भाई लोग बैठ गए हैं, बस मैं वीडियो बनाने के लिए नीचे आया था। मैं भी चलता हूँ और बस गाड़ी 5-10 मिनट में गाड़ी भी रवाना हो जाएगी, क्योंकि 10:30 हमें बताया गया था। और ये अगर मैं दिखाऊँ तो 10:30 में 5 मिनट रहते हैं, तो 5-6 मिनट में हमारी गाड़ी रवाना हो जाएगी। बस अब चलते हैं अपने घर, अपने गांव वापस लाहौर से। और ये हमजा भाई हमें छोड़ने आए थे। हमजा भाई हमें छोड़ने आए थे क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था, तो इसलिए हमजा हमारे साथ आए सी ऑफ के लिए। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ, अच्छा टाइम रहा हमारा। आपने हमें पूरा लाहौर दिखाया, आपका बहुत शुक्रिया। और कहना चाहेंगे अपनी सीट पे बैठ गया हूँ और बस गाड़ी हमारी रवाना होने लग गई है। मेरे साथ एक भाई, ये भी पठान है, उस तरफ से भी मेरे साथ पठान बैठा हुआ था और इस तरफ से भी पठान है। इस तरफ से ज़्यादा ही पठान होती, क्योंकि जो पेशावर जाएगा तो पठान ही होगा। और उस तरफ से भी पठान थे, एक अच्छी बात है। और आगाज़ करते हैं अपने सफ़र का। आधा रास्ता तय कर लिया है, आधा तो नहीं है लेकिन बस ये एक स्टॉप होता है रास्ते में, तो हम इसको आधा रास्ता ही कहते हैं। कलर कहार एक बहुत ही प्यारी जगह है, पहाड़ी इलाका ही, आप जरा दिखा दो। और प्यारे प्यारे यहाँ पे होटल बनाए गए हैं जो लोग आते हैं स्टे के लिए। अच्छी बात ये है कि पिछली मरतबा हम जब इस तरफ से जा रहे थे लाहौर, तो अच्छे से मैं नहीं दिखा सका क्योंकि रात थी। और उस पर लाहौर से जब हम घर वापसी कर रहे तो दिन है। टाइम अगर मैं देखूं तो 1 बज रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं सही से, ये देखिए 1 बज रहा है, तो टाइम बिल्कुल परफेक्ट है और जगह बहुत प्यारी है। हम अगेन यूटंग मास्टर में सफ़र कर रहे हैं। आप ज़रा इस तरफ आ जाओ और ये बस दिखा दो। वो तो खैर आप लोगों ने देख भी लिया होगा, इस तरफ से भी जब लाहौर जा रहे थे तब भी यूटंग मास्टर में ही गए थे, और अब वापसी जो है वो भी यूटंग मास्टर में कर रहे हैं। इनका बहुत अच्छा सफ़र होता है, आरामदेह सफ़र होता है, जैसे ही बोलते हैं तो वैसे ही होते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ खा लेते हैं और फिर यहाँ से करते हैं वापसी। ये हंसा और आयशा, और अब जाके कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं अपने बस में, क्योंकि 10 मिनट का स्टॉप होता है, तो फिर उसके बाद गाड़ी रवाना हो जाती है। तो अब निकलते हैं। तो फाइनली अपने घर पहुंच गए हैं। रात हम थोड़े से लेट आए, इतने लेट नहीं, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो व्लॉग नहीं बना सका, और धूप आंखों में लग रही तो इसलिए हाथ सामने किया है। अपना गांव, अपना शहर अपना होता है। लाहौर में ना बहुत ज़्यादा शोर, गाड़ियों का शोर शराबा, यहाँ पे शांति, पुरसकून माहौल, हरे भरे खेत, तो ये मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो अपने घर आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब बाहर जाना है यासीन से मिलना है, क्योंकि दोस्तों से भी नहीं मिला, ठीक है। शाम में हम आ गए थे, लेकिन मैं बाहर भी नहीं निकला, और बस जैसे आया तो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो बस सो गया था। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, तो अभी जाना है दोस्तों से मिलना है। तो बाहर मैं निकल गया, यासीन को कॉल भी की। मज़े की बात कि उसकी जॉब लग गई है, वो जॉब पे है। क्या जॉब कर रहे क्या नहीं, वो तो जब आएगा तो फिर पूछेंगे, पता लगेगा। और दो और दोस्तों उनको भी कॉल की, वो दोनों कॉलेज में हैं, ठीक है। तो मैं बस अकेला, ठीक है।
और बस अभी करने को भी कुछ है नहीं, तो अपने आज के व्लॉग को भी यहीं पे कर देते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।